अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं 5 मरला घर बैरिंगटन लाहौर में लोकेटेड है। 40 फीट रोड पे ये घर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट व्यू है इसका। डेवलप ब्लॉक में ये घर मौजूद है। पार्क ये इसके साथ बिल्कुल मेन रोड इसके नियर टू है और मस्जिद इस ब्लॉक में मौजूद है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं ये वुडन डिज़ाइन में इसमें कम्प्लीट टाइल वर्क हुआ है और ये डार्क ब्राउन कलर में और ये हल्के ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं। ये लाइट ब्राउन कलर में इसमें ये रॉकवॉल किया गया। ये इसका फ्रंट एलिवेशन में ये राइट साइड पे इसके टेरेस स्पेस है। इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया और ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई है, कॉर्नर विंडो दी गई है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई आप देख सकते हैं। इसमें टाइल वर्क हुआ है, रॉक वॉल किया गया इसमें। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन है, ब्लैक और गोल्डन कलर में इसे पेंट किया गया, आयरन मेटल में इसे तैयार किया गया। ये अगेन इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है कम्प्लीट। ये इसमें रैंप दिया गया है, रैंप और पोर्च में आप देख सकते हैं ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में। ये इसके गैराज का व्यू है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ये बिल्कुल सामने इसका मेन डोर दिया गया, इसके साथ के डोर दिया गया, ये स्टेज के सामने आ रहा है अंदर से, यानी कि डबल यूनिट घर है। ये ऊपर वाला पोर्शन आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये लेफ्ट साइड पर इसकी फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें टाइल वर्क हुआ है नीचे। और ये इसके फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं ये वुडन डिज़ाइन में कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है। ये ऊपर इसके बेडरूम की विंडो है फर्स्ट फ्लोर पे और ये ड्राइंग रूम की विंडो है। बाहर से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, अंदर से ये ड्राइंग रूम की तरफ ओपन होगी। ये इसका टेरेस डिज़ाइन है। घर में तमाम डोर सॉलिड वुड में तैयार किए गए हैं। ये डोर का डिज़ाइन है। ये लेफ्ट साइड पर ये इसके ड्राइंग रूम का डोर दिया गया। ये इसका मेन डोर है लिविंग एरिया की तरफ जो ओपन हो रहा है। ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया। ये इसका व्यू है वॉल का कंप्लीट। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है वाइट कलर में। ये इस हॉल का व्यू है। ये बिल्कुल सामने ये लिविंग एरिया दिया गया और इसे ये वुडन पार्टीशन की गई है। इसमें आप देख सकते हैं आप इसमें कर्टन यूज़ करके प्रॉपर ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन ड्राइंग रूम का। फैन इसमें इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। बाहर से अभी हमने ये विंडो विजिट की है इसकी फ्रंट गली से। ये बिल्कुल सामने इसका लिविंग एरिया दिया गया। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है। ये बिल्कुल सामने इसके मीडिया वॉल डिजाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें, शीट वर्क किया गया। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसकी फ्रंट वॉल डिजाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया। ये इसके लिविंग एरिया का सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया गया, साथ ही किचन स्पेस है और साथ ही स्टेज दी गई। ये ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर देंगे। इसके साथ ही पाउडर रूम दिया गया, ये पाउडर रूम का डोर है। ये इस हॉल का व्यू है गेन दूसरी तरफ से, ये आप देख सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये किचन स्पेस दी गई है। पहले हम इसका किचन विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं किचन में 2x2 की टाइल यूज़ की गई है। ये इसमें कबर्ड स्पेस दी गई है। ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में इसमें शीट यूज़ की गई है कबर्ड में और ये कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है इसमें। वॉल के साथ बर्नर वुड सिंक यहाँ पे इंस्टॉल है। फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई, ये डोर दिए गए, इसकी बैक ग्रिल की तरफ ओपन हो रही। ये इसमें डोर दिया गया। ये इसकी बैक गली का व्यू है। ये 5 फीट गली दी गई है इसमें बैक पे, कंप्लीट ये टाइल वर्क हुआ है इसमें। और ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसके बेडरूम की विंडो है और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है और इसके साथ ये किचन की विंडो दी गई है इस तरह। ये इस किचन का व्यू है कम्प्लीट। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये हम वापस आ गए हम इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये बेडरूम दिया गया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। इसके साथ ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है। ये विंडो भी हमने बैक गली से विजिट की है, इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इसके बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका। फैन इसमें इंस्टॉल है। ये इसमें कबर्ड स्पेस दी गई, ये वॉशरूम दिया गया। वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक। ये टाइल यूज़ की गई, ये विंडो दी गई, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है।
मिरर, सिंक, कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, शावर सेट इंस्टॉल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये इसका व्यू है कंप्लीट। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये हम वापस आ गए हम इसके लिविंग एरिया में। नीचे ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये राइट साइड पे ये ड्राइंग रूम एरिया है और ये लिविंग एरिया के साथ ये नीचे एक बेडरूम दिया गया, साथ ही किचन स्पेस है। इसके साथ ये पाउडर रूम दिया गया, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसके स्पेस को मैनेज किया गया। कमोड, सिंक, मिरर यहाँ पर इंस्टॉल है कम्प्लीट, इसमें टाइल वर्क हुआ है। ये इसका मेन डोर दिया गया, ये इसके गैराज की तरफ ओपन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका मेन डोर है। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टील स्टेयर्स में यूज़ की गई है, स्टेप पे जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ये लाइट्स दी गई, ये हम ऊपर आगे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे इसके लिविंग एरिया में, बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं। वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं। ये 2x2 की टाइल यूज़ की गई है वाइट कलर में, जो ऊपर आती है स्टेयर्स के साथ। ये राइट साइड पे ये बेडरूम दिया गया, साथ ही किचन स्पेस है। और ये हमारे लेफ्ट साइड पर ये बेडरूम दिया गया, साथ ही टेरेस का डोर है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है। पहले हम इसके ये राइट साइड विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये विंडो अभी हमने ये बैक गली से विजिट की थी, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इसके बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क हुआ है। ये ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये बेडशीट वॉल के बिल्कुल सामने LED पॉइंट दिया गया, मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई। ये कवर स्पेस दी गई इसमें। इसके साथ ये वॉशरूम दिया गया, ये वॉशरूम आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में। ये टाइल वर्क हुआ है, शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये एग्जास्ट दिया गया, ये विंडो दी गई इसमें। ये इसकी बैक गल की तरफ ओपन हो रही है। सिंक, मिरर, कमोड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये किचन स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑफ वाइट कलर में ये शीट यूज़ की गई है किचन में, कबर्ड में। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें टाइल वर्क हुआ है, वॉल के साथ सिंक यहाँ पर इंस्टॉल है। ये विंडो दी गई, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, एग्जास्ट दिया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। बर्नर हुड यहाँ पर इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए हम इसके लिविंग एरिया में। ये राइट साइड हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये किचन स्पेस दी गई है राइट साइड पे और स्टेयर्स के साथ ये बेडरूम का डोर है। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये लेफ्ट साइड पे ये सेकंड बेडरूम दिया गया, नीचे एक बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर इसमें विंडो दी गई, इस विंडो से आप स्ट्रीट व्यू ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर डेवलप ब्लॉक है ये। ये इसके बेडशीट की वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन इसमें स्टोर है, नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं। 2x2 की टाइल यूज़ की गई है वाइट कलर में। ये इसमें मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। इसमें कॉर्नर विंडो दी गई है, इस साइड से ये विंडो ये टेरेस का व्यू दे रही है इस तरह। ये इसमें वॉशरूम दिया गया, वॉशरूम से पहले आप देख सकते हैं ये कवर स्पेस दी गई इसमें। सिंक, मिरर, कमोड, शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये टेरेस का डोर है, ये टेरेस अभी हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पे नीचे कंप्लीट ये टाइल वर्क हुआ है टेरेस में। ये टेरेस में विंडो दी गई, इसके टेरेस का डिज़ाइन है, ये ऊपर इसकी ममटी का व्यू है। ये विंडो अभी हमने बेडरूम से विजिट की है इस तरह। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसकी छत और ममटी विजिट कर लेते हैं।
ये ऊपर स्टेयर से ऊपर आते ही राइट साइड पे ये बेडरूम का डोर है, इसके साथ ये किचन स्पेस अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, और ये लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम दिया गया है और साथ ही टेरेस का डोर है इस तरह ये। अभी हम इसके मल्टी विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने छत का डोर दिया गया मेन डोर, ये इसकी ममटी में विंडो दी गई है, ये इस ममटी का व्यू है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टोर रूम स्पेस दी गई है इस ममटी में। ये इस ब्लॉक का व्यू आप देख सकते हैं 100% डुअल ब्लॉक है ये, इंतहाई मुनासिब इसकी डिमांड है, 215 स्क्वायर की डिमांड कर रहे हैं। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें ज़्यादा देर, अल्लाह हाफिज़।